दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा, वो सबसे अच्छा रिज्क देने वाला है। और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो। और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है, और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है।